द थर्ड इज बेंजालिक हैलाइड। बेंजालिक हैलाइड में जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वह अगर बेंजीन रिंग के जस्ट बाद अटैच है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन बिकॉज इट इज अटैच टू द नेक्स्ट ऑफ बेंजीन रिंग। क्योंकि यह बेंजीन रिंग के जस्ट बाद अटैच है इसीलिए इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और यह सिंगल बॉन्डेड होता है। अगर इससे हाइड्रोजन अटैच है तो इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। क्योंकि क्लोरीन अटैच है बेंजाइलिक कार्बन से इसलिए इसको कहा जाएगा बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड आप कह सकते हैं। इसको कहा जाएगा बेंजिल क्लोराइड। कीप इन माइंड इसको कहा जाएगा बेंजिल क्लोराइड। और इसका जब आप PSC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन आपका यही है, इसका नाम होगा क्लोरोमेथाइल। इसका क्या नाम होगा? क्लोरो। इसका नाम होगा मेथाइल। इस साइड चेन का नाम होगा क्लोरोमेथाइल। कीप इन माइंड इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले Cl का नाम लिखा गया है। Cl यानी क्लोरीन को सब्सिडियरी साइड चेन कहते हैं। सब्सिडियरी साइड चेन का नाम क्लोरो होगा और अटैच किससे है? साइड चेन से। तो साइड चेन का नाम होगा मेथाइल, इसलिए इस पूरे का नाम क्लोरोमेथाइल होगा। और यह बेंजीन रिंग के फर्स्ट कार्बन से अटैच है इसलिए इसको हम कहेंगे 1-chloromethyl बेंजीन। इसका PSC नेम लिखा जाएगा 1-chloromethyl बेंजीन। सिंपली आप मेथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। इसका PSC नेम होगा 1-chloromethyl बेंजीन और सिंपली क्लोरोमेथाइल बेंजीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? तो ऐसा हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है। और यह कार्बन मींस sp3 हाइब्रिड कार्बन अटैच है एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली।